हाय फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और खूबसूरत ये बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए, इसे आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली, और इस तरह से वर्टिकली भी यूज़ कर सकते हैं। किसी बेबी फ्रॉक में, स्टॉल शॉल, मफलर वगैरह में, किसी भी प्रोजेक्ट पे इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें जो फंदे चाहिए, जो स्टिचेस चाहिए, चार चार के मल्टीपल में, दो फंदे एक्स्ट्रा, मल्टीपल ऑफ 4+2। तो यहाँ पे मैंने 14 स्टिचेस लिए हैं, 14 फंदे लिए हैं। और हमारी पहली सिलाई सीधी तरफ से स्टार्ट होगी, रो 1 राइट साइड। देखिए, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हम इन सारे फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरफ से पहली सिलाई सिंपल बुनी जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स के वीडियोस देखने हो तो उसके लिए मेरे चैनल चिंकीज क्रिएशंस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे अब मैं खाली पैटर्न्स ही अपलोड करती हूँ। जो पूरे पूरे वीडियोस होते हैं बच्चों के सेट्स के, स्वेटर्स के, वो मैं अब चिंकीज क्रिएशंस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो ऐसे हमारी ये फर्स्ट रो जो है वो कम्प्लीट हुई। अब सेकेंड रो रॉन्ग साइड, दूसरी साइड उल्टी तरफ से। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, जैसे उल्टा बुनते हैं, इस तरफ से ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही सिंपल पैटर्न है। दो सिलाई हमारी प्लेन, एक तरफ से सीधी और एक तरफ से उल्टी बुनी गई। तो ये हमने दो सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब थर्ड रॉ, तीसरी सिलाई सीधी तरफ से। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला फंदा है इसे हम इस तरह से दो बार धागा लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। ज़्यादा लूज मत रखिएगा, नहीं तो बहुत ढीला ढीला बनेगा। टाइट टाइट हाथ से ही बुनिएगा। फिर अगले फंदे को दो बार धागा लपेटते हुए, तो इस तरह से अब हमने सारे ही फंदों को सीधा बुनना है, लेकिन दो बार धागा लपेटते हुए लास्ट के एच स्टिच तक ऐसे ही बुनते जाएंगे। ऑल रैपिंग यार्न अराउंड ट्वाइस। तो इस तरह से हमने ये पूरी की पूरी रो में दो बार धागा लपेटते हुए बुन लिया। अब एच स्टिच को हम नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। इस तरफ भी हमने एच स्टिच को स्लिप कर लिया था, अगर बुनते हैं तो इसे नॉर्मल सीधा बुनिएगा। अब देखिए, फोर्थ रो रॉन्ग साइड से, चौथी सिलाई उल्टी तरफ से। इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। अब अगले चार फंदों को बिना बुने ऐसे उतारेंगे, पहले अनट्विस्ट कर लेंगे ऐसे, फिर वापस ले लेंगे। थोड़े से ये लंबे हो गए हैं फंदे। अब इन चार फंदों के पीछे से नीडल इंसर्ट करेंगे, ऐसे सिलाई डालेंगे और एक लूप निकाल लेंगे ऐसे। अब ये जो चार फंदे हैं इनके बीच में से नीडल डालेंगे ऐसे, और फिर से एक बुनते हुए लूप निकाल लेंगे। तो हमने चार के दो फंदे बनाए। अब फिर से एक बार पीछे से लूप निकालेंगे और फिर एक बार इन चार फंदों के बीच में से लूप निकालेंगे। तो ऐसे हमने इन चार फंदों के चार फंदे बना के छोड़ देना है। फिर अगले चार फंदों को उतारेंगे ऐसे ही, अनट्विस्ट करेंगे, वापस लेंगे, इन चार फंदों के पीछे से पहले एक लूप निकालेंगे, लूज मत रखिएगा ज़्यादा, फिर इन चार फंदों के बीच में से नीडल निकाल के लूप निकालेंगे ऐसे, फिर चार फंदों के पीछे से, और एक बार फिर से चार फंदों के बीच में से बुनते हुए लूप निकालेंगे। तो फिर से चार फंदों के चार बना के इन फंदों को छोड़ देंगे। एक बार फिर से देखिएगा, एक दो तीन चार, चारों को उतारा, वापस लिया, इन चार फंदों के पीछे से ऐसे लूप इंसर्ट जो है निकाला एक, फिर बीच में से निकालेंगे, फिर पीछे से निकालेंगे और फिर बीच में से निकालेंगे। तो पीछे से, बीच में से, पीछे से, बीच में से, ऐसे चार बार हो गया। तो चार फंदों के चार लूप्स निकले, चार फंदे बन गए ऐसे। लास्ट फंदा हम एच स्टिच है, इसे उल्टा बुन लेंगे। तो ये चार चार फंदे रिपीट करते हुए हमने ये वाली रॉ कंप्लीट कर ली। वैसे तो ये चार सिलाइयाँ ही हमने रिपीट करनी है, लेकिन थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपको। देखिए, अब फिर से जैसे फर्स्ट रो में हमने सारे फंदों को सीधा बुना था, तो इन फंदों को ऐसे सीधा सीधा बुन लेंगे। दो तीन चार, फिर ये एक दो,
तीन और चार। तो ऐसे हमने ये फर्स्ट रो ही बना रहे हैं हम। तो इन चार चार सिलाइयों को ही हमने जब बार बार रिपीट करना है, तो जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया, फिर से आपको दिखाऊंगी कैसा हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न जो है वो बनता जाएगा। चार चार सिलाइयों का ही पैटर्न है, उसमें से दो सिलाई जो है एक सीधी एक उल्टी है, और दो ही सिलाइयों में हमने ये पैटर्न बनाना है। और बहुत ही खूबसूरत ये लगता है, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। बैक साइड से इस तरह से दिखाई देगा ये, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।